आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके, जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा नज़दीक है। ओके, लगातार मैं आपको क्या है सिलेबस बता रहा था। ओके, उसी में आप कमेंट कर रहे थे उन्हीं वीडियो में कि सर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए। ओके, तो इसलिए हमने स्टार्ट कर ली है क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ओके, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं में हिंदी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए ओके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो वीडियो है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये दो पार्ट में आएगी। ये क्या है आपका पार्ट एक में। ओके, पार्ट एक में मैं आपको क्या है काव्य खंड के, ओके गद्य खंड के, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम, इनके आपको क्या है इंपॉर्टेंट आपको क्या है क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको व्याकरण संबंधित या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाते हैं वो सभी मैं आपको कवर कर दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, वो भी प्रत्येक विषय की। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं अभी से उन्हें क्या है तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, तो गारंटी के साथ के आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओके, और आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा के समय क्या है टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, और आप क्या है हिंदी में आप ये तो मान के चले कि 80+ आप स्कोर इजिली कर लेंगे अगर इन क्वेश्चनों को आप रट लेते हैं। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आपको क्या है तैयार कर लेना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या देखिए आपको काव्यखंड में आपका क्या है दो सेक्शन होता है, एक तो आपके जो आपके कॉपी में क्या होती है कविता होती है, ओके वो वाला सेक्शन होता है। ओके, कविता कहानियां होती है, और पहला जो आपका टॉपिक होता है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, इससे भी क्या है दो नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, उन्हें आपको तैयार कर लेना है, दो नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। ओके, तो पहला है आपको सगुण और क्या है निगुण धारा में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है दो प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ओके, तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लेना है, छायावाद की दो विशेषताओं लिखिए। ओके, और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आप तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में आपको इन क्वेश्चन से आप फ्री हो जाएंगे, और क्या है बहुत मजबूती आपकी मजबूत तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, आपको तैयार तो करना है चाहे आप त्रैमासिक परीक्षा में करें चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा में। ओके, क्वेश्चन तो आपके यही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार करना है भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। ओके, और प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रेंज तैयार कर लेते हैं, दो नंबर आपके क्या है पक्का हो जाएंगे। ओके, अब काव्यखंड में देख लेते हैं, काव्यखंड की आरोह अपने पुस्तक से आ जाता है। ओके, पुस्तक में अपने जो चैप्टर है उनसे आपका क्वेश्चन आता है दो नंबर का। ओके, तो देख लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है पतंगों के साथ साथ बेबी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध है। ओके, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झाँक रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, और जो मैंने ये सभी आपको मैं क्या है हिंदी में दोस्तों मैंने आपको कई सारे डिटेल से चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। ओके, डिटेल से चैप्टर आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, जिसमें मैंने आपको पहले क्या है समझाया है चैप्टर को, फिर वस्तुनिष्ठ बताया है, क्वेश्चन आंसर बताया है, जो आपसे शुरू से स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पता होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है शीतलवाणी में आग के होने से का क्या अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको इंपॉर्टेंस की आपको पता नहीं चल रही कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन को आप वीडियो दिखा दीजिएगा, वो स्वयं बता देंगे कि ये ऐसे छठे छठाए क्वेश्चन है। ओके, और ये सभी क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी मैंने क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनाए हैं। ओके, जो सिलेबस में आपके जो चैप्टर आपके आने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है, करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है थका हुआ पंक्ति किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। ओके, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन एकदम आपको दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है, दसवां क्वेश्चन है कैमरे बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, तर्क संगत क्या है, उत्तर आपको उसमें देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन आ जाता है क्या हम समर्थ शक्तिवान है हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके क्या है काव्यखंड के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सभी के आपको क्या है आंसर आपको तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण व्याख्या है। ओके, महत्वपूर्ण व्याख्या देखिए फिर से तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जो हमेशा क्या है रिपीट होती है व्याख्याएं भी। ओके, तो जो आपकी 4 अंक की आपके पेपर में आती हैं व्याख्या, मैं आपको 3 व्याख्याएं बता रहा हूँ, उनको आपको अच्छे से रट के जाना है पेपर में, मुझे ऐसी पूरी आशा है। ओके, कि इनमें से आ जाएगा। ओके, तो पहला मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पहले आपको तैयार करना है मैं जग जीवन भार लिए वाला और तार लिए फिरता हूँ, कि ये वाला जो आपका जो पैसेज आपको मिलेगा ये वाला आपको पैसेज आपको तैयार कर लेना है। ओके, व्याख्या के लिए
दूसरा मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ, मैंने जो रोदन में लाग लिए ओके और खंडर का भाग लिए फिरता हूँ ओके। मैंने क्या है पूरा टाइपिंग ना करने पड़े, थोड़ा मेहनत मैंने बचाने के लिए मैंने क्या है शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन अगर आप पहले चैप्टर में जाएंगे तो ये आपको आगे लाइनें मिल जाएंगी, तो वो वाले आपको पैसे की व्याख्या अच्छे से तैयार कर लेनी ओके, मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या ओके। नेक्स्ट आपको क्या है बात सीधी तिवर वाली जो कविता है उसमें जाइएगा चैप्टर में ओके, तो बात सीधी थी पर पेचीदा होते चली गई, तो ये वाला आपको पैसे तैयार कर लेना है। तो ये तीन आपको क्या है मैं अपने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ओके, बाकी ये फिक्स नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप उन्हें पढ़ लीजिएगा ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, या कि महत्वपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं कब आपको कवि परिचय कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, तो कवि परिचय में आपको क्या है हरिवंश राय बच्चन जी का तैयार कर लीजिएगा, रघुवीर सहाय के ओके, दो दो आपको एकदम रटे रहना चाहिए है। इसके बाद अगर आपको और कवि के जो आपके चैप्टर में है वो भी आप तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये दो लेकिन आप रट लेते हैं तो उनमें से एक ना एक आ जाएगा, और आप क्या है इस प्रकार से अपना तीन नंबर का जो आता है कवि परिचय वो आप क्या है तीन नंबर यहाँ पक्के अपने कर सकते हैं। दोनों का मैंने पूरा आपको किस किस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में कवि परिचय मतलब रचना है, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान कैसे आपको लिखना है आसान भाषा मैंने आप यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर डल चुका है, जाकर आप क्या है देख सकते हैं ओके। आप क्या है यूट्यूब पर सर्च भी कर लीजिएगा ओके कि हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय वर्ण राग असाटी क्लासेस आपको मिल जाएगा ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हम देखने वाले हैं आप क्या है आपके क्या है गद्य खंड में ओके। गद्य खंड से अब हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास प्रवृत्तियां एवं विकास क्रम, इसकी भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसे भी देख लेते हैं ओके। तो भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए ओके। दूसरा क्वेश्चन है निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए ओके। नेक्स्ट है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए ओके। और पांचवा है उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, छठवां है क्या है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये आपने क्या है दसवीं में ग्यारहवीं में यही क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे ओके, तो ये हमेशा क्या है फिक्स रिपीट होते रहते हैं ओके। और अगर आपने पहले से याद किए होंगे तो आपको क्या एक बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि इलेवंथ में भी यही क्वेश्चन है, टेंथ में भी आपके यही इसमें क्वेश्चन रहते हैं ओके। जैसे आपका क्या है नाटक और एकांकी में अंतर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है ओके। दो नंबर पक्का करने के लिए गद्य साहित्य के इतिहास से ये दो नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है ओके, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं गद्य खंड से अपने ओके, गद्य खंड से अपने पुस्तक के आरोह पुस्तक के क्वेश्चन ओके, तो इससे भी दो नंबर के क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं अपना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी ओके, भक्तिन के चैप्टर से आपका यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत प्रीवियस ई पेपर में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा के मुझे ध्यान है ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा ओके महादेवी जी यह देहाती कैसे हुई, ये तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ये क्वेश्चन है जो वाला चौथे नंबर वाला, ये क्या है बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है ओके, तो अच्छे से आपको क्या है तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है ओके। नेक्स्ट है बाजार का जादू क्या है वह कैसे काम करता है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, हमेशा क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, आपको अच्छे से सभी तैयार कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा ओके। कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है अपने धीरे धीरे अपने नंबर कम कर रहे हैं ओके, इसलिए क्या है कि क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लुट्टन का बचपन कैसा था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर होता था ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है ओके। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कवर कंप्लीट हो जाते हैं ओके। तो अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको वीडियो में लाइक करने को कोई पैसा नहीं लगता है, केवल मुझे मोटिवेशन मिलता है आपकी हेल्प करने के लिए। अब देख रहे हैं मैं आपको इतने मटेरियल ला रहा हूं ओके, तो मैंने आपकी पूरी पुस्तक का रिसर्च किया है ओके, और पहले मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं तो मुझे शुरू से क्या है इसका पता है ओके, लेकिन क्या है पूरा टाइप करके बनाना पड़ता है पूरा ओके, तो आप समझ सकते हैं जो मेहनत है आपके सामने है, इसलिए क्या है लाइक करके क्या है आप क्या है अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी आपको डाउट हो जाता आता है ओके किसी भी सब्जेक्ट में कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। नेक्स्ट आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश ओके, गद्यांश की व्याख्या है, आपको पता है काव्यांश की व्याख्या आती है गद्यांश की व्याख्या आती है, तो काव्यांश की व्याख्या मैंने आपको आगे बता दी है कौन कौन से आपको तैयार करने हैं ओके। जैसे क्या है मैं जीवन में ओके मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ, वो मैं आपको आगे बताई है, वो आपको तैयार कर लेनी है वो काव्यांश की व्याख्या में ओके। गद्यांश की व्याख्या में आपको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तीन ठो ओके, फिक्स नहीं है लेकिन ये क्या है प्रीवियस ये पेपर में आई हुई है ओके, और ये रिपीटेड भी होती रहती है, इसलिए मैं आपको क्या है सजेस्ट कर रहा हूँ, तो तीनों को आपको अच्छे से जरूर पढ़ के जाना है ओके, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है। तो एक पहले आपका भक्तिन वाला चैप्टर है, उसमें एक आपका पैसेज आएगा भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है जीवन के घेरे हुए, ये वाला जो पैसेज है आपको उसकी व्याख्या तैयार कर लेनी है ओके। सेवक धर्म में हनुमान जी से डे डस गद्दर होटी ओके, ये वाला आपको पैसेज तैयार करना है। और जो बाजार दर्शन वाला चैप्टर है ओके, 12वां चैप्टर, उसमें आपको ये वाला पैसेज तैयार करना है, बाजार में एक जादू है
किसकी मानने वाला। ओके तो ये वाला जो आपका पैसेज है ये आपको पैसेज तैयार कर लेना है ओके संदर्भ प्रसंग व्याख्या में ओके गद्यांश के लिए। तो ये आपका तीन इंपॉर्टेंट है ओके तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण लेखक। आपका कवि परिचय भी आता है लेखक परिचय भी आता है तो महत्वपूर्ण लेखक परिचय देख लेते हैं ओके। कवि परिचय भी तीन नंबर का आता है, लेखक परिचय भी तीन नंबर का आता है। तो अभी मैंने अभी आपके क्या है लेखक परिचय नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगा ओके। तो जयनंद कुमार जी का आपको तैयार कर लेना, महादेव वर्मा का गारंटी के साथ में मुझे पूरी ऐसे है फीलिंग आ रही गट फीलिंग कि आप इन दोनों में से एक ना एक आ जाएगा। जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए महादेव वर्मा जी का और क्या है जयनंद कुमार जी का। इसी प्रकार अगर अभी तैयार कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपको यही आपके क्या है बोर्ड परीक्षा में भी आ जाते हैं। अभी तैयार कर लीजिए पूरे साल भर फुर्सत हो जाएंगे ओके। चलिए आगे देख लेते हैं वितान आपकी पुस्तक से देख लेते हैं। वितान पुस्तक से आपके दो अंक की है, इससे दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है ओके। तो वितान पुस्तक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ओके ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? नेक्स्ट है, जब सब्जी से लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? ओके ये क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? ये है आपके बितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, छठवां, श्री सौदेलगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने क्या है कविताओं के प्रति लेखक के मन में क्या है रुचि जगाई है। अभी तक दोस्तों आपने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा ओके, जिससे आपको क्या है सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर लीजिएगा ओके, उसमें भी आप क्या है मैसेज करके कोई भी अपने डाउट पूछ सकते हैं ओके। और आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको दिख रहा है वेबसाइट नीचे www.anuragasadiclass.com, यहाँ आपको पूरे नोट्स मिल जाते हैं, पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ डाल दूंगा तो वहाँ से आप क्या है पूरी पीडीएफ देख लीजिएगा ओके। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें क्या है भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? ओके ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ई पेपर में आ चुका ओके। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविताओं के ने किस भवन को क्या है कॉलेज ऑफ पृष्ठ कहा है? नेक्स्ट है, 11वां, अतीत के दबे पांव शीर्षक क्या है सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये आपके वितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ओके। ने क्या है वितान पुस्तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हम देखेंगे अभिव्यक्ति माध्यम के, इससे भी क्या है दो नंबर के क्वेश्चन आता है तो इसका भी आप देख लीजिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ओके। पत्रकारीय लेखन क्या है ये आपको पूछा जा रहा है ओके। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्या है, प्रिंट माध्यम क्या है? तो ये आपके हैं अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, लाइव के बारे में लिखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है? तो ये आपके क्या है के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है काव्यखंड के ओके, काव्यखंड के आपको बता दिए, गद्यखंड के ओके, वितान के, व्यक्ति माध्यम, इनके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं ओके। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको व्याकरण संबंध जो आपके एक्स्ट्रा और क्वेश्चन रह जाते हैं जैसे काव्य बोध, भाषा बोध, आपको कौन सा लेटर आपको तैयार करना चाहिए ओके, कौन से निबंध तैयार करना चाहिए, ये सब जो आपके रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आपको दिल से वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें क्या है डर रहता है, जो क्या है पूरे साल भर नहीं पढ़ पाते, 3 महीने नहीं पढ़ पाए हैं और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जरूर वीडियो को शेयर करिएगा ओके। साथ ही सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा ओके, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर पूछिएगा ओके, अगर कोई भी आपको डाउट आया तो पूछ लीजिएगा ओके। और वीडियो पसंद आई तो अपने क्या है भाव जरूर व्यक्त करिएगा ओके, इससे मुझे क्या है अच्छी फीलिंग आती है। इसकी दोस्तों आप क्या है इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके अपनी वेबसाइट से जाकर जरूर विजिट करिएगा, वहां से आप क्या है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आपके है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।